Swayam Prabhat Digital India, Educated India Namaskar. भारतीय शासन और राजनीति से जुड़े विविध मसलों की इस परिचर्चा में जो कि हम पिछले कई एपिसोड से कर रहे हैं आज की परिचर्चा में हम भारतीय न्यायपालिका के बारे में बातचीत करेंगे जब हम लोकतंत्र की कल्पना करते हैं जब हम सभ्य समाज की कल्पना करते हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसे अंग की आवश्यकता महसूस होती है एक ऐसे संस्था की आवश्यकता महसूस होती है जो शासन की अन्य अंगों की कामकाज पर निगरानी रख सके उनकी निरंक, निरंकुशता को रोक सके लोकतंत्र में शक्तियों का विभाजन आवश्यक है क्योंकि अगर शक्ति एक हाथ में केंद्रित है तो फिर वो शासन लोकतांत्रिक शासन नहीं हो सकता है और ऐसे में अगर हम आधुनिक प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की बातचीत करते हैं तो वहाँ पर शक्तियों का विभाजन एक अपरिहार्य विशेषता के रूप में सामने आता है एक आवश्यक विशेषता के रूप में सामने आता है और आमतौर पर यह माना जाता है कि जो शासन व्यवस्था होती है वह विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीन भागों में बटी होती है और यह भी माना जाता है कि अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में कहीं संसद को ज़्यादा प्राथमिकता मिली होती है तो कहीं पर न्यायपालिका को और कुछ कुछ मामलों में व्यवहारिक स्तर पर कार्यपालिका भी मजबूत होकर सामने आ जाती है कुल मिलाकर शासन के इन तीन अंगों के बीच एक तरीके का संतुलन होना काफ़ी आवश्यक होता है एक बेहतर लोकतांत्रिक पद्धति के लिए हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है लेकिन इसके साथ ही साथ एक संघात्मक ढांचा भी हमने अपनाया है तो इस स्थिति में जो न्यायपालिका है उसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है न्यायपालिका शासन के एक ऐसे अंग के रूप में सामने आती है जो संविधान के मूल्यों की सुरक्षा का काम करती है जिसे संविधान के मूल्यों का की सुरक्षा का काम करना चाहिए और इस लिहाज से ही भारत की न्यायपालिका के काम की समझ काफ़ी महत्वपूर्ण है आज की इस पूरी चर्चा में हम ऐतिहासिक रूप से यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय नामक संस्था का उदय कैसे हुआ उसके बाद इस संस्था की किस तरह की भूमिका रही है आ, हमारे लोकतंत्र में इसकी भी एक समझ बनाने की हम कोशिश करेंगे हमारी पूरी चर्चा कुछ खास बिंदुओं से होकर गुजरेगी जो इस प्रकार से हैं सबसे पहले हम प्रस्तावना की बात करेंगे जो कि कुछ हद तक हमने अभी की उसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की संस्था कैसे उभर कर सामने आई हम इसके संरचना पर ध्यान देंगे कि पूरी न्यायपालिका की संरचना कैसी है मोटे तौर पर हमारी नज़र सर्वोच्च न्यायालय पर रहेगी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यताएँ क्या होनी चाहिए भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक पुनराविलेखन या जुडिशियल रिव्यू के अधिकार के विकास के कौन कौन से चरण रहे हैं न्यायिक सक्रियतावाद या जुडिशियल एक्टिविज़्म इसका क्या अर्थ है यह किस रूप में उभर कर सामने आया है और विधायिका द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र की दावेदारी की एक परिघटना जो हम कह सकते हैं कि सन दो बाद के दौर में उभर कर सामने उसका क्या मतलब है और हाल के वर्षों में जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एक्ट से जुड़ा जो वाद विवाद रहा है उसका क्या तात्पर्य है इन बिंदुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे और निष्कर्ष के रूप में मैं कुछ बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो मुझे लगता है कि भारत की न्यायपालिका के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण है जिन पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है अगर हम भारत में न्यायपालिका की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो एक बात तो बिल्कुल साफ़ है कि मध्य युग में इस तरह की संस्था का कोई खास अस्तित्व नहीं था एक हद तक काजी और दूसरे कई तरह की छोटे स्तर पर संस्थाएं थीं पर आखिरी सत्ता जो थी वो शासक के हाथों में निहित होती थी लेकिन अंग्रेजों के शासन ने भारत की कानूनी बुनियाद में पूरी तरह परिवर्तन कर दिया ख़ास तौर पर संवैधानिक और आपराधिक कानूनों के संदर्भ में ऐसा हुआ इन मामलों में सभी भारतीयों के लिए एक जैसे कानून बनाए गए किंतु सिविल या पारिवारिक मामलों में पहले से जारी सामाजिक या धार्मिक प्रथाओं को जारी रखा गया गौरतलब है और आगे हम इस बात की चर्चा करेंगे एक दूसरे लेक्चर में कि स्वतंत्र भारत में ये संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का लक्ष्य रखा गया है लेकिन अभी भी भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुई है बहरहाल अंग्रेजों के शासन के दौरान सिविल और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई जज सह मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती थी इसमें जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रीवी काउंसिल अपील की अंतिम न्यायालय थी भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच धीरे धीरे पृथकता आई 1935 के भारत शासन अधिनियम के साथ फेडरल कोर्ट के रूप में भारत की सर्वोच्च अदालत का गठन हुआ यानी वो पहला समय था जबकि एक सर्वोच्च न्यायपालिका बनी लेकिन फेडरल कोर्ट जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रीवी काउंसिल के अधीन ही काम करती थी कि जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रीवी काउंसिल मुख्य रूप से इंग्लैंड की संसद में निहित एक ऐसी संस्था थी जो कि सुनवाई का काम करती थी जो आखिरी अपील का अदालत जिसे हम बोल सकते हैं वो थी तो फेडरल कोर्ट की स्थापना 1935 में हो गई 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई जिसमें कि संघीय स्तर के मामलों को निपटाने का काम इसे दिया गया लेकिन ये पूरी तरीके से एप्सोल्यूट सॉवरेंट इंस्टीट्यूशन या पूरी तरीके से संप्रभु आ, संस्था के रूप में विकसित नहीं हुई थी भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का पहला पूरी तरह स्वतंत्र न्यायालय है इसकी स्थापना 1950 में संविधान द्वारा की गई संविधान ने न्यायालयों के एक एकीकृत एक पद सोपान की स्थापना की जो एक संसदीय संघीय शासन व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप थी इसकी संरचना की हम बात करें तो यह बात सामने आती है कि भारत में अदालतों के हरारकी में या पदोपान में सबसे उच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है फिर राज्यों के स्तर पर उच्च न्यायालय हैं और उपराज्य स्तर पर जिला न्यायालय है न्यायाधीशों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित राज्य के राज्यपाल की भूमिका होती है न्यायाधीशों की या जजों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श की भूमिका के बारे में विवाद रहा है लेकिन उन्नीस सौ में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 143 के तहत मांगे गए परामर्श में सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कॉलेजियम व्यवस्था की वैधता पर मुहर लगाई लेकिन इसने यह भी कहा कि यदि मुख्य न्यायाधीश मानकों और परामर्श प्रक्रिया की आवश्यकताओं से अलग हटते हुए अनुशंसा करते हैं तो कार्यपालिका उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है अर्थात कॉलेजियम की व्यवस्था यानी कि न्यायाधीशों की एक समूह के द्वारा जो अनुशंसा की जाती है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए कार्यपालिका के द्वारा लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश मनमाने तरीके से या गलत तरीके से अनुशंसा करते हैं तो उसे स्वीकार करने के लिए कार्यपालिका बाध्य नहीं है सन 2000 में स्थापित नेशनल कमीशन फॉर द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने आ, 2000 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी एम एन वेंकट चलैया इसके अध्यक्ष थे इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नेशनल जुडिशल कमीशन की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया इससे संबंधित विवाद का हम अन्य स्थान पर उल्लेख करेंगे जब आखिर में हम बाद के वर्षों में सरकार के इस कोशिश पर ध्यान देंगे लेकिन मुख्य तौर पर बात यह है कि अगर हम वर्तमान में मौजूदा स्थिति की बात करें तो स्थिति यही है कि एक कॉलेजियम के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और आमतौर पर जो कार्यपालिका है जो राष्ट्रपति हैं वो इस पूरी प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यताओं की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए कम से कम पाँच साल के लिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम पाँच वर्षों तक जज या न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो वह व्यक्ति फिर किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार दस वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो या फिर वह व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधि व्यक्ता या फिर जोरिस्ट हो न्यायाधीश के लिए सेवा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है वह पैंसठ वर्ष की आयु को पूरा होने तक अपनी सेवा जारी रख सकते हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो भारत में न्यायपालिका को निर्णय लेने की आज़ादी दी गई है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट की उम्र जो है वो पैंसठ वर्ष होती है जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया न्यायाधीशों को केवल महाभियोग दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है आज तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के तहत नहीं हटाया गया है एक बार यह प्रक्रिया थोड़ी आगे बढ़ी लेकिन बाद में आ, खुद कांग्रेस पार्टी द्वारा आ, इस पूरे प्रस्ताव से पीछे हट जाने के कारण जब राजीव गांधी विपक्ष के नेता हुआ करते थे तो उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के बारे में ऐसी प्रक्रिया चली थी लेकिन बाद में शायद कांग्रेस पार्टी इसलिए पीछे हट गई क्योंकि उसे यह लगा कि यह एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा भारत की न्यायपालिका के बारे में एक और बार दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने का एक मन बनाया गया विपक्षी दलों के द्वारा लेकिन फिर वह मामला भी आगे नहीं बढ़ा तो कुल मिलाकर जो संस्थाओं की गरिमा होती है उसको ध्यान में रखते हुए अगर कई बार ऐसे मामले थोड़े जोर शोर से ऊपर आए भी तो उन्हें बहुत आगे तक नहीं ले जाया गया बहरहाल अगर हम अधिकार क्षेत्र की बात करें सर्वोच्च न्यायालय की तो अनुच्छेद इकतीस सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र से संबंधित है शक्ति के संघीय विभाजन से संबंधित केंद्र राज्य या राज्यों के बीच के विवाद और नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित विवाद इस श्रेणी में आते हैं भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है तो निश्चित रूप से ऐसे मामले उभरते रहते हैं जिसमें कि केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद हो ऐसे मामले उभर सकते हैं जिसमें राज्यों के बीच में विवाद हो और अनुच्छेद बत्तीस यानी आर्टिकल थर्टी के द्वारा जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स हैं उससे संबंधित जो विवाद होते हैं उस पर आ, सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है आर्टिकल 143 या एक सौ तिर अनुच्छेद एक इसकी तिरालीस इसकी शक्ति से संबंधित है जिसमें कि राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं अनुच्छेद एक में यह प्रावधान किया गया है कि भारत के नागरिक और न्यायिक अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करेंगे यानी कि आ, हर अधिकारी का जो कि इस देश में है उसको संवैधानिक रूप से यह बाध्यता दी गई है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कोई आदेश जारी होता है तो वह उसका अनुपालन करें आ, आर्टिकल एक सौ चौंतीस में यह कहा गया है कि यदि उच्च न्यायालय किसी मामले में संविधान की व्याख्या का कोई को तत्व देखता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस मामले पर सुनवाई करेगा और एक में ही यह बात है कि किसी भी मामले में स्पेशल लीव पिटीशन सुनने का अधिकार है असल में एक सौ में यह प्रावधान है कि किसी भी मामले में स्पेशल लीव पिटीशन सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है और फिर एक अन, अनुच्छेद एक में यह प्रावधान है कि संसद संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को बढ़ा सकती है तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जिसमें हमें मुख्य रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके संदर्भ में काफ़ी मजबूत अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को मिले हुए हैं लीप पिटीशन स्पेशल लिप सुनने का अधिकार इसके पास है ये किसी भी ऐसे मसले पर सुनवाई कर सकता है जिसपे कि जो विभिन्न पक्ष हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार या राज्य सरकारों के बीच में विवाद हो तो एक काफ़ी बड़ा दायरा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों का है जो एक महत्वपूर्ण मसला है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में वह है कि जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन की का अधिकार किस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के पास है और असल में यही वह अधिकार है जिसका सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अपना विकास करते हुए हासिल किया है इस अधिकार को और इसमें संवैधानिक रूप से थोड़ी अस्पष्टता भी रही है कि सर्वोच्च न्यायालय सच में किस सीमा तक न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है कार्यपालिका और विधायिका में एक तरह का असंतोष भी रहा है सर्वोच्च न्यायालय के इस अधिकार के प्रति तो हम आगे यह समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू के अपने अधिकार को हासिल किया या किस तरीके से इसका विकास हुआ भारत में संविधान निर्माण के समय भी इस बात पर खासा वाद विवाद रहा कि संसद की सर्वोच्चता को किस सीमा तक अपनाया जाए संसद की सर्वोच्चता को अगर पूरी तरीके से स्वीकार किया जाता तो निश्चित रूप से यह अधिकार संसद को मिलता कि वह अपने साधारण या दो तिहाई के बहुमत से संसद की संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकता है लेकिन संसद को पार्लियामेंट को यह अधिकार नहीं दिया गया इसके बदले में यह प्रावधान किया गया कि कुछ मामलों में साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है कुछ मामलों में दो तिहाई बहुमत से हो सकता है और कुछ मामलों में आधी राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है तो इस लिहाज से ये जो तीसरा पक्ष है आ, वही एक तरीके से न्यायपालिका के लिए भूमिका न्यायपालिका की प्रवेश की भूमिका तैयार करता है और अगर हम भारत में न्यायिक पुनराविलेखन या जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो संविधान की कम से कम तीन ऐसी विशेषताएं हैं जिससे जुडिशियल रिव्यू का जो पूरा मसला है वह उभर कर सामने आता है पहला संविधान के मौलिक अधिकारों के अध्याय से जो विधायी कानून या कार्यपालिका के आदेश से नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान करता है दूसरा संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विचार तीसरा यह प्रावधान कि 1950 के पहले के वे सभी कानून अमान्य होंगे जो संविधान से टकराते हों अब इन तीनों ही मामलों में न्यायपालिका की एक भूमिका बनती है अगर कार्यपालिका या विधायिका मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं उल्लंघन करते हैं तो वो किस तरीके से इस पर रोक लगे या कौन सा कानून वास्तव में ऐसा करता है क्या विधायिका या कार्यपालिका को ऐसा करने का अधिकार है ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है और उसी तरीके से संघ राज्य संबंधों के बारे में जो भी बदलाव किए जाते हैं उसकी वैधता को देखने का परखने का काम भी सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है और अगर कोई कानून पहले से चला आ रहा है वो मान्य है या अमान्य है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए या स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए यह फैसला करने का पूरा अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है सर्वोच्च न्यायालय ने जो जुडिशल रिव्यू के अपने अधिकार का विकास किया उसको हम चार चरणों में बांट देख सकते हैं संविधान लागू होने के बाद से इसके विकास का पहला चरण 1950 से 1966 तक के बीच के रहा कार्यपालिका और संसद तथा न्यायपालिका के बीच एक तरह का समरसतापूर्ण संबंध था इस दौर में शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया तथा सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान दो प्रमुख मामले सामने आए और पहला केस संविधान के पहले संशोधन से संबंधित था जिसके माध्यम से संविधान की नौवीं अनुसूची का निर्माण किया गया था अदालत ने पहले इन कदमों को असंवैधानिक बताया था लेकिन इस केस में इसने इन्हें वैधता प्रदान की अभी जो नौवीं अनुसूची का पूरा मसला है उसके बारे में भी हमारे सामने एक साफ़ समझ होनी चाहिए असल में जो नौवीं अनुसूची का पूरा बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वह भूमि सुधार कानूनों से आरंभ हुई क्योंकि जब लैंड रिफॉर्म के कानून बनाए गए तो इनका सीधा सा टकराव जो राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में दिया गया है उनसे हुआ अदालत में उनको चुनौती दी गई तो उससे बचने के लिए जो संसद है उसने नौवीं अनुसूची का निर्माण किया और यह कहा गया कि नौवीं अनुसूची में अगर कोई कानून डाल दिया जाता है तो फिर वह न्यायपालिका की जो एक कार्य होता है उसका समीक्षा करने का उससे परे हो जाता है तो ये एक कोशिश की गई विधायिका के द्वारा तो अदालत ने इन सारे कानूनों को पहले तो ठीक नहीं माना पर बाद में इन्हें स्वीकार कर लिया और इसने यह कहा कि संविधान का अनुच्छेद 368 या तीन संसद को संविधान के किसी भी भाग के संशोधन की अनुमति देता है जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग भी सम्मिलित है बाद में संविधान का सातवां संशोधन हुआ और उसके द्वारा भी कई कानूनों को नौवीं अनुसूची में डाला गया इसके खिलाफ़ दायर मुकदमे को सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ इंडिया ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान नाम से जाना गया इसमें पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ में तीन जजों ने बहुमत से फैसला दिया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है तो ये जो पहला चरण था उसकी पूरी विशेषता यही थी कि जो न्यायपालिका है उसने संसद द्वारा किए गए कार्यों को स्वीकार किया और उसने कोई भी टकराव की स्थिति पैदा नहीं की या कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं दिया जिससे कि संसद और न्यायपालिका के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो अब जो विकास का दूसरा चरण है उसको हम उन्नीस से उन्नीस के बीच के दौर में रख सकते हैं इसमें गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का मामला आया उन्नीस में इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ दूसरा चरण आरंभ होता है एम पी सिंह प्रोफेसर एम पी सिंह का यह मानना है कि यह निर्णय उन्नीस के आम चुनावों के कुछ दिन पहले आया था और इस पर उन्नीस के चुनावों के बाद आ, पैदा होने वाली अस्थिरता के प्रभाव को भी देखा जा सकता है उन्नीस के चुनावों में जो कि पहली बार जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद आम चुनाव हो रहे थे यह माना जा रहा था कि केंद्र में एक तरह की अस्थिरता पैदा हो सकती है और इस अस्थिरता के कारण एक ऐसी स्थिति आ सकती है जो कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ज़्यादा अच्छी ना हो खतरनाक हो तो इस लिहाज से एम पी सिंह का यह मानना है कि न्यायपालिका ने यह कोशिश की कि वह संविधान को एक तरीके से सुरक्षित रखे और स्थिरता के उन तत्वों से इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से लिए अपने निर्णय में पहले के अपने फैसलों को पलटते हुए यह कहा कि संसद संविधान के मूल अधिकारों से संबंधित भाग में संशोधन नहीं कर सकती है अनुच्छेद तीन संशोधन की शक्ति नहीं देती बल्कि यह सिर्फ संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताती है तो ये एक तरीके से जो पहले की पूरी प्रवृत्ति आ रही थी आ, कि न्यायालय ने स्वीकार किया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करिए या उससे अलग हटने के रूप में था न्यायालय ने यह भी कहा कि संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 245, 246 और 248 में निहित है जो क्रमशः संघ राज्य और अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है इस निर्णय के अनुसार संविधान की अनुच्छेद तेरह दो के प्रावधानों के अनुसार संविधान संशोधन भी एक कानून है और जिस सीमा तक यह अधिकारों को सीमित करता है उस सीमा तक इसे न्यायिक प्र, न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा खारिज किया जा सकता है इसका सीधा सा अर्थ यह है कि न्यायपालिका ने अपने कार्य का अपने दायरे का विस्तार किया अपने दायरे का विस्तार करते हुए न्यायपालिका ने यह कहा कि अगर कोई संविधान संशोधन होता है जिससे कि मौलिक अधिकार सीमित होते हैं उनमें बदलाव होता है तो उसे एक कानून के रूप में देखते हुए न्यायपालिका उस पर विचार कर सकती है और अगर वह उसे मूल अधिकारों की संकल्पना के खिलाफ पाती है तो उसको खारिज भी कर सकती है अब न्यायपालिका के विकास के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के विकास के तीसरे चरण की बात करते हैं यह चरण उन्नीस से उन्नीस के बीच में रहा और इसमें केशवानंद भारती केस को एक मेल के पत्थर के रूप में याद किया जाता है और असल में अगर हम हिंदुस्तान की न्यायपालिका के इतिहास की बात करें तो उस इतिहास में भी केशवानंद भारती केस जो है उसे एक ऐसे केस के रूप में देखा जाता है जिसने न्यायपालिका की भूमिका में या न्यायपालिका की स्थिति में और संवैधानिक मूल्यों के महत्व में एक अभूतपूर्व कार्य किया केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरल मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से भारतीय न्यायिक व्यवहार का तीसरा चरण आरंभ होता है इस मुकदमे में केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट उन्नीस में उन्नीस और उन्नीस में संशोधन हुआ था उसे चुनौती दी गई थी और इसे न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए उनतीसवें संशोधन द्वारा इसे नवी अनुसूची में डाल दिया गया था तो याचिकाकर्ता ने संविधान के चौबीसवें पच्चीसवें और उनतीसवें संशोधनों को चुनौती दी और इन सभी संशोधनों का जो लब्बुलवाब था ये वह यह था कि जो संसद है संसद के पास यह शक्ति है कि वह संविधान में किसी भी स्तर तक का बदलाव कर सकती है वह चाहे तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें बढ़ावा देने के लिए मौलिक अधिकारों को कुछ हद तक सीमित कर सकती है तो ये जो एक पूरी पूरा बदलाव हुआ था उसको चुनौती दी गई थी केशवानंद भारती मामले में और इसमें मुख्य न्यायाधीश एस एम सीकरी की अध्यक्षता वाली तेरह सदस्यीय खंडपीठ ने अपने निर्णय में गोलकनाथ मामले के फैसले को पलट दिया अब ये जो तेरह सदस्यीय खंडपीठ है वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बेंच था और इसमें आ, इसकी जो अध्यक्षता एस एम सीकरी ने की थी आ, उस पूरे खंडपीठ में एस एम सीकरी के साथ अन्य न्यायाधीशों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया और केशवानंद भारती मामले के निर्णय का निर्णय असल में गोलकनाथ मामले के निर्णय के बिल्कुल उलट था केशवानंद भारती मामले में यह कहा गया कि संसद को मौलिक अधिकारों सहित पूरे संविधान में संशोधन करने का अधिकार है लेकिन मुख्य न्यायाधीश एस एम सीकरी सहित ग्यारह न्यायाधीशों ने यह निष्कर्ष निकाला कि संसद द्वारा किए जाने वाले संशोधनों पर यह सीमा लगी है कि यह संविधान की बुनियादी संरचना या विशेषताओं में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो एक बुनियादी संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर की पूरी अवधारणा इसमें सामने आती है और इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने चौबीसवें पच्चीसवें और उनतीसवें संविधान संशोधन की वैधता को कायम रखते हुए संसद यह कहा कि संसद संविधान के सभी भागों में संशोधन तो कर सकती है लेकिन वह बेसिक स्ट्रक्चर की अनुरूप होना चाहिए उसमें संविधान की जो बुनियादी संरचना है संविधान का जो बुनियादी ढांचा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए अब इस बात पर सभी जजों के बीच में सहमति नहीं थी कि किन तत्वों को मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर या बुनियादी संरचना में सम्मिलित किया जाए तो बेसिक संरचना बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ही एक समय हम मूल संरचना या बुनियादी संरचना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें अलग अलग न्यायाधीशों ने अलग अलग तत्वों को सामने रखा मुख्य न्यायाधीश सीकरी के अनुसार संविधान की सर्वोच्चता सरकार का गणतंत्रवादी और लोकतांत्रिक स्वरूप संविधान का सेकुलर चरित्र शक्तियों का विभाजन और शक्तियों का संघीय विभाजन ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं अन्य न्यायाधीशों ने निम्नलिखित पहलुओं पर बल दिया पहला संविधान के भाग में सन्निहित कल्याणकारी राज्य बनाने का विचार दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता तीसरा भारत की संप्रभुता चौथा शासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था पांचवा नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की बुनियादी विशेषताएं अब यहाँ जो आ, खास बात है वह यह है कि एक एक मोटा मोटी सहमति वाला चार्ट जिस पर सभी सहमत हों वह बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सामने नहीं आ पाया है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस पूरे तत्वों में शामिल हैं उन्हें बेसिक स्ट्रक्चर का भाग माना जा सकता है कुछ और चीज़ें जो हैं वो बाद के निर्णयों में शामिल होती गई और कुल मिलाकर इन सब चीज़ों से अलग जो सबसे बड़ी चीज़ है वह यह है कि न्यायपालिका ने संसद के अधिकारों को स्वीकार करते हुए भी इस दावे को स्थापित कर दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर में संसद परिवर्तन नहीं कर सकती है और ये परिवर्तन बेसिक स्ट्रक्चर में हो रहा है या नहीं हो रहा है किसी कानून के द्वारा या किसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह जांच करने का अधिकार न्यायपालिका ने अपने पास रख लिया अब यहाँ एक चीज़ जो हमें समझ कर रखनी है वह यह कि 44वें संशोधन द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद तीन ए में डाल दिया यह अभी भी एक संवैधानिक अधिकार है लेकिन इसे आ, मूल अधिकारों जैसे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है तो इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि जो आ, मूल अधिकारों को एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया था आ, शायद आ, संपत्ति के अधिकार को उसमें रखा जाए या नहीं रखा जाए ये एक विवाद का प्रश्न रहेगा ये एक संवैधानिक अधिकार है पर अब अब यह एक फंडामेंटल राइट्स नहीं है इसके कुछ नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव रहे हैं जिसके बारे में हम उस समय हमने जब इस बात की चर्चा की थी कि फंडामेंटल राइट्स किस तरीके से हमारे देश में हैं तो वहाँ पर हमने इसके बारे में विस्तार से बात की थी मोटे तौर पर कई समूहों के लिए यह फ़ायदेमंद हुआ पर बहुत सारे समूह जिसमें कि गरीब तबके भी थे उनके लिए यह एक नुकसान की चीज़ बनी इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए एक बार फिर से आप फंडामेंटल राइट से जुड़े पूरी चर्चा को देखें यह मेरा आपसे अनुरोध है अच्छा इसके अब सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विकास के चौथे चरण की हम बात करते हैं जिसमें 1980 से लेकर वर्तमान समय को हम रख सकते हैं मिनरमा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस चौथे चरण का एक प्रमुख मुकदमा है और यह मुकदमा एक मिल के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे से आरंभ हुआ था जो कि संपत्ति का मसला था लेकिन नानी ए पालकीवाला ने यह तर्क दिया कि यह संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति से जुड़ा हुआ है मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूर्ण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मिनरवा मामले में यह निर्णय दिया कि बयालीसवें संशोधन की धारा चार और पचपन असंवैधानिक है धारा चार में यह प्रावधान किया गया था कि यदि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई संविधान संशोधन किया जाता है तो उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती बयालीसवें संशोधन की धारा पचपन में संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति पर किसी भी सीमा को हटा दिया गया था और अगर आपको यह ध्यान हो तो यह बात गौर करने वाली है कि यह दोनों ही चीज़ें उन्नीस सौ के केशवानंद भारती निर्णय के बाद हुई थी बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था जबकि देश में आपातकाल लगा हुआ था तो ये एक तरीके से आपातकाल में एक बार फिर से आ, संसद ने यह प्रयास किया कि वह जो न्यायपालिका के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर की सीमा लगाई गई है उसको तोड़ दे और यह चीज़ स्थापित कर दे कि उसे संविधान में हर उस तरह का बदलाव करने का अधिकार है जो वह चाहती है लेकिन एक बार फिर से मिनरवा मिल्स के मामले में आ, जो अदालत है सर्वोच्च अदालत उसने संसद के इन प्रयासों पर रोक लगा दी और अस्सी और उन्नीस के दशक में बहुत से केस लॉ द्वारा संविधान के कई आयामों को संविधान की बुनियादी संरचना के अंतर्गत लाया गया यह कहा जा सकता है कि संविधान की बुनियादी संरचना की के अवधारणा केस दर केस विकसित हो रही है और यह पूरा जो आ, मसला है आ, या उसी चीज़ से जुड़ा हुआ है जो जिसका उल्लेख आ, कुछ अलग संदर्भों में मैंने पहले किया था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर जैसी चीज़ है यह न्यायालय ने स्थापित किया अलग अलग न्यायाधीशों ने उसके तत्वों में अलग अलग तरह के विचार जोड़े और समय के साथ यह विकसित होता रहा कुछ बुनियादी चीज़ों को तो हम ज़रूर स्वीकार कर सकते हैं कि यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है मिसाल के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है लोकतांत्रिक शासन बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है जो न्यायिक स्वतंत्रता है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है आ, लोगों के आ, जो वोट डालने का अधिकार हैं चुनाव लड़ने का अधिकार है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है आ, तो इस तरीके की बहुत तरह की और संघात्मक प्रवृत्ति वो आ, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है तो कुछ चीज़ें कुछ सूची बनाई जा सकती हैं लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सा तत्व कौन सा कानून कौन सा संविधान संशोधन संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर या बुनियादी संरचना के अनुरूप है या नहीं है इसको तय करने का पूरा का पूरा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हाथों में ले लिया है और एक बार जब अदालत जब संसद ने ऐसी कोशिश की भी बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट आ जाने के, के बाद तो न्यायालय ने उसे नकार दिया और एक तरीके से उसके बाद हम बहुत गंभीर कोई टकराव की स्थिति न्यायपालिका और विधायिका के बीच में बेसिक स्ट्रक्चर के मुद्दे पर तो कम से कम नहीं देखते हैं और यह लगातार विकसित होते रहने वाली संकल्पना है अब एक और महत्वपूर्ण तत्व है जिसके बारे में हमें विचार करने की आवश्यकता है और वह है न्यायिक सक्रियतावाद या जुडिशियल एक्टिविज्म का पूरा तत्व न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति ने ही सक्रियता का रूप लिया अदालतों के सशक्तिकरण का दूसरा साधन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पी या जनहित याचिका के रूप में सामने आया इसके आ, इसे आ, सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहा गया 1970 के दशक के मध्य से ही भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में न्यायिक सक्रियता की बात कही जाने लगी न्यायिक सक्रियता की अवधारणा के साथ दो तथ्यों को जुड़ा हुआ माना जाता है पहला न्यायपालिका की ओर से पुनरावलोकन की शक्ति की दावेदारी नेहरू के दौर में या इंदिरा शासन के आरंभिक दौर में इस तरह की कोई दावेदारी नहीं की गई थी और हमने इसको अपनी चर्चा में देखा भी दूसरा पीआईएल द्वारा न्यायपालिका की भूमिका का विस्तार तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायिक शक्ति का विस्तार वी आर कृष्ण अय्यर और पी एन भगवती जैसे कुछ प्रगतिशील न्यायाधीशों के कारण हुआ इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के काम करने के पुराने ढर्रे में बदलाव किया और यह स्वीकार किया गया कि तीसरे पक्ष के द्वारा या पत्राचार द्वारा भी मूल और कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के मामले को न्यायालय तक लाया जा सकता है इसका अर्थ यह है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि न्यायालय के पास मूल अधिकार क्षेत्र है अपीलीय अधिकार क्षेत्र है यानी कि कोई किसी निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है अगर उसके अधिकारों का हनन होता है तो मूल अधिकार क्षेत्र के बारे में हमने देखा कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो या केंद्र और राज्य के बीच में मामला हो या राज्यों के बीच में मामला हो तो सर्वोच्च न्यायालय दखलंदाजी कर सकती है फिर परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र है जिसका के मतलब यह हुआ कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा किसी मसले पर कोई राय मांगी जाती है तो न्यायपालिका उस तरीके का अपना परामर्श देता है लेकिन अब इसके साथ ही एक एपिस्टोलरी या पत्र व्यवहार आधारित अधिकार क्षेत्र को भी स्वीकार किया जाने लगा अब इसका जो एक महत्वपूर्ण तत्व था जिसके बारे में मैंने कुछ समय पहले उल्लेख किया कि जो तीसरा पक्ष है वह भी अब न्यायालय में इस तरह के मामलों को लेकर जा सकता है मिसाल के तौर पर पी की तरफ से एस खेल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई तो एक ऐसा संगठन जो कि इन मामलों में सीधा पक्ष नहीं है सीधे पक्ष दो ही हुए एक जो कि मजदूरों को काम दे रहे हैं और दूसरा वो मजदूर जो काम कर रहे हैं लेकिन तीसरे पक्ष की भूमिका को भी अब स्वीकार किया जाने लगा यानी कि कोई आ, और कई मामलों में श्रो मोटो भी अदालत ने आ, कई मामलों को अपने हाथों में लिया और जो तीसरे पक्ष की बात है उससे अब यह संभव हो पाया कि हाशिए पर पड़े जो समूह अपनी मांगों को उठा नहीं पा रहे हैं उनके मांगों को आ, सीधे तौर पर कोई तीसरा पक्ष कोई एनजीओ कोई सामाजिक संगठन कोई सामाजिक चेतना रखने वाला व्यक्ति अदालत तक ले जाए और अदालत उसकी सुनवाई करे और जहाँ सूओ मोटो स्वतः अदालत आदार, किसी मामले का संज्ञान लेती है वहाँ भी एक तरीके से न्यायिक सक्रियता का पूरा दरवाज़ा खुल जाता है जहाँ अदालत को लगता है कि कोई ऐसा मसला है जो कि समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है और उस पर दखल देने की आवश्यकता है तो वह उस मामलों पर सुओ मोटो भी कार्रवाई करने लगी तो इससे एक जो गरीबों के हितों से जुड़े मामले थे उसमें अदालत सक्रियता से सुनवाई करने लगी और जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उससे लोगों का काफी गहरा समर्थन भी मिला उसका एक बड़ा कारण यह था कि एक दौर में जो विधायिका और कार्यपालिका थी उसकी साख में गिरावट आई विधायिका की साख में गिरावट कई कारणों से आई जो राजनेता हैं उनके द्वारा जिस तरीके की राजनीति को बढ़ावा दिया गया संकुचित पहचानों पर आधारित राजनीति राजनीतिक अपराधीकरण हुआ संसद के काम करने की जो पूरी प्रवृत्ति थी उसमें थोड़ा हराश हुआ और कार्यपालिका के स्तर पर भी भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई तो इन सब मामलों में जब न्यायपालिका ने आ, ऐसे इस तरीके से दखल अंदाजी शुरू करने शुरू की जिससे कि जो हाशिए पर पड़े समूह थे जो गरीब लोग थे उन्हें राहत मिली जिससे कि भ्रष्टाचार कर रहे अधिकारियों अधिकारी प्रश्न के घेरे में आए तो इन सब चीज़ों को काफ़ी गहरा समर्थन मिला और ये ही जुडिशियल एक्टिविज़म के रूप में जाना गया अब जुडिशियल एक्टिविज़म के मामलों में हर तरह के आ, मामले अदालत के पास आने लगें अगर सड़कों पर गड्ढे हैं अगर आ, पेड़ों की ज़्यादा कटाई हो रही है अगर लोग सीट बेल्ट बांध कर नहीं चल रहे हैं अगर धूम्रपान करने से सार्वजनिक स्तरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया है ऐसे तमाम तरीके के मुद्दे जो कि आम लोगों के जीवन से जुड़े हुए थे आ, जो उनके जीवन को प्रभावित कर रहे थे वो जुडिशियल एक्टिविज़म के दायरे में आए और अदालत ने बहुत से मामलों में ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय दिए जिससे कि कार्यपालिका को सही तरीके से काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा जिससे कि लोगों को काफ़ी राहत मिली तो इस लिहाज से ये काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक उपेंद्र बख्शी ने न्यायिक सक्रियतावाद के अपने अध्ययन में इस बात पर बल दिया है कि भारत के मनोविज्ञान से ज़्यादा सामाजिक और मानव अधिकार कार्यकर्ता की बढ़ती संख्या और सक्रियता ने अदालत को न्यायिक सक्रियता की दिशा में मुड़ा है इसका सीधा मतलब यह है कि एक तो हम यह मानते हैं कि कृष्ण अय्यर और पीएन भगवती जैसे जो न्यायाधीश थे उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लेकिन उपेंद्र बख्शी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की एक पूरी खेप उभर कर सामने आई और जिसने सक्रिय रूप से लोगों से जुड़े मुद्दे उठाने शुरू किए उसने भी न्यायिक सक्रियता की दिशा को आगे बढ़ाया और उपेंद्र बख्शी इस संदर्भ में नागरिक अधिकार उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ताओं बंधुआ मजदूर विरोधी समूह पर्यावरणवादी बाल अधिकार समूह जिनमें बंद कैदियों के अधिकार अ, अधिकार की बात करने वाले समूह गरीब अधिकार समूह मूल निवासी लोगों के अधिकार समूह महिला अधिकार समूह इत्यादि की भूमिका को रेखांकित करते हैं और ये जो अलग अलग तरह के समूह उभर कर सामने आए इन्होंने समाज के ऐसे लोगों के बारे में बातचीत करनी शुरू कर दी जिनके बारे में आमतौर पर ज्यादा बातचीत नहीं होती थी मिसाल के तौर पर अगर हम पी या रिहाई मंच जैसे संगठनों की बात करें तो ये ऐसे आ, अन्य मामलों के अलावे खासतौर पर अगर हम पी की बात करें तो अन्य मामलों के अलावा इसने कस्टोडियल वायलेंस यानी कि जेल के भीतर होने वाले हिंसा का मसला काफ़ी जोर शोर से उठाया कस्टोडियल डेथ के मसले को उठाया आ, रिहाई मंच जैसे संगठनों ने आ, गलत आरोपों में आ, किसी को कैद कर लेने के मामले को या किसी व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा समय तक जेल में रखने के मामले को उठाया पर्यावरणवादी समूहों ने कई ऐसे मसले को उठाया जिसके कारण से अदालत के हस्तक्षेप से पर्यावरण के दोहन करने वाली परियोजनाओं पर रोक लगाई गई तो ये सभी एक साथ जब उभर कर सामने आए तो इसने भी आ, उपेंद्र बख्शी के अनुसार न्यायिक सक्रियता को एक दिशा प्रदान की 1990 के दशक में नौ उदारवादी सुधारों और वैश्वीकरण के साथ न्यायिक व्यवहार में भी स्पष्ट बदलाव सामने आया है अभी भी पी का अस्तित्व है लेकिन उन्नीस सौ उदारवाद के साथ इसकी प्रकृति में एक खास तरीके के बदलाव को हम देख सकते हैं कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया है जो आम लोगों के हितों के खिलाफ लग सकता है मसलन बालको एम्प्लॉयज यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के का निर्णय एक ऐसा ही मामला था इसमें कंपनी के कर्मचारियों ने सरकार द्वारा कंपनी में विनिवेश करने के फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की थी लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया कि विनिवेश का फैसला पूरी तरह से सरकारी फैसला है और इसको चुनौती देना पी के दायरे में नहीं आता है प्रशांत भूषण और प्रकाश प्रशांत भूषण प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं प्रकाश कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से भी जुड़े हुए हैं पर एक आ, अपने आप में विद्वान टीकाकार भी हैं इन्होंने भी आ, इन दोनों ने सर्वोच्च न्यायालय के रवैये में इस परिवर्तन की आलोचना की है और इनका यह मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय नौ उदारवाद या वैश्वीकरण के दौर में आ, अपनी जो पहले की भूमिका थी उससे पीछे हटा है और इसने एक ऐसी भूमिका अपनानी शुरू कर दी है जिससे कि जो पूंजीवादी गतिविधि करने वाली करने वाले लोग हैं जो कंपनियां हैं उनके हितों को नुकसान ना पहुंचे सर्वोच्च न्यायालय के कई जजों मसलन ए के माथुर और मार्कंडे काटजू ने यह चेतावनी दी कि न्यायिक सक्रियतावाद का अत्यधिक उपयोग एक सीमा के बाद कानून के शासन के विरुद्ध चला जाता है तो आ, ये एक ऐसी आ, एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें कि हम यह कह सकते हैं कि अदालत ने खुद के ऊपर एक सीमा लगाई अदालत ने उन बहुत सारे मामलों में अपने दखलंदाजी को सीमित कर लिया जहाँ जनहित याचिका के पूरी विमर्श के हिसाब से जो हादसे पर बड़े समूह थे उन्हें उसकी ज़रूरत थी तो इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि जनहित याचिका 1980 के दशक में और 1990 के दशक में जितनी मजबूती से सामने आया धीरे धीरे उन्नीस सौ के बाद उसकी जो प्रवृत्ति थी या उसका जो सकारात्मक पक्ष था उसमें थोड़ी आ, कमी भी आई कई सारे ऐसे मामले भी सामने आए जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक कुछ निर्णयों में तो जीवन के अधिकार को मान्यता दी और झुग्गियों में रहने वाले लोगों के अधिकारों को स्वीकार किया पर कई दूसरे मामलों में उसने इन्हीं झुग्गियों के खिलाफ भी निर्णय दिए तो एक अंतर्विरोधी प्रवृत्ति भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च कई उच्च न्यायालयों में सामने आई मोटे तौर पर जो चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है वह यह कि जो जुडिशल एक्टिविज़म की जो पूरी अवधारणा थी वह उभर कर सामने आई और उसका एक सकारात्मक पक्ष उभर कर सामने आया लेकिन बाद में कई न्यायाधीशों ने ही इस पर आ, सवाल लगाए जैसे कि हमने जिक्र किया मार्कंडे कार्जू और ए के माथुर ने यह कहा कि यह कानून के विरुद्ध शासन हो सकता है और आ, खुद कई अन्य दबावों के कारण सर्वोच्च न्यायालय की इस प्रवृत्ति का जो प्रगतिशील पक्ष था वो थोड़ा कम हुआ या काफ़ी कम हुआ हम यह कह सकते हैं लेकिन जब हम न्यायिक सक्रियता की बात करते हैं तो आ, बहुत सारे सकारात्मक पक्षों के साथ हमें इस इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कई बार न्यायिक सक्रियता जो आ, शासन की दूसरे पक्ष हैं उनकी भूमिका को सीमित कर सकती है और एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहाँ पर आ, बाकी सारे जो अंग हैं शासन के मुख्य रूप से विधायिका और कार्यपालिका वो बस दिखावे के अंग लगने लगे और फिर ऐसा लगे कि हर मामला अदालत की दहलीज पर जा रहा है और अदालत ही हर मामले पर निर्णय दे रही है और इसी प्रवृत्ति के ख़िलाफ़ हम यह देख सकते हैं कि 2000 के बाद खुद विधायिका ने अपने अधिकार क्षेत्र का दावा किया यह एक आम प्रवृत्ति है और ऐसी प्रवृत्ति 2005 में भी आई कि जब कोई हंग विधानसभा होती है यानी त्रिशंकु विधानसभा होती है जहाँ पर किसी एक दल को बहुमत या एक गठबंधन को बहुमत नहीं होता है तो एक जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो जाती है और 2005 में झारखंड विधानसभा ने में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास गया सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि झारखंड विधानसभा अपनी बैठक करे अपने नेता का चुनाव करे लेकिन झारखंड विधानसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्देश को अपने अधिकारों में दखल माना क्योंकि उसका यह मानना था कि विधानसभा को किस तरीके से कार्य करना है वह खुद विधानसभा के द्वारा तय किया जा सकता है और 2006 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई उस समय लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे सोमनाथ चटर्जी अब लोकसभा में मसला यह आया कि कुछ ऐसे सांसदों का नाम सामने आया जिन्होंने घूस लेकर सवाल पूछे थे और यह माना गया कि यह सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का मामला है और लोकसभा अध्यक्ष ने जिन सांसदों के खिलाफ ऐसे मामले आए थे उन्हें बर्खास्त कर दिया अब ये सभी सांसद सर्वोच्च न्यायालय में गए और सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा के अध्यक्ष को एक नोटिस जारी किया बाद में लोकसभा के अध्यक्ष ने विधानसभा अध्यक्षों की बैठक की और उसके बाद यह फैसला किया कि सर्वोच्च न्यायालय की नोटिस को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि किस तरीके से काम करना है लोकसभा के भीतर यह लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा की अपनी संप्रभुता है और इस तरीके के, के मामलों में अदालत की दखल को नहीं माना जा सकता है यह मामला यह दिखाता है कि किस तरीके से खुद विधायिका ने अपने अधिकारों को दृढ़ होकर रखा था कि एक सीमा है जिसके बाद हमारी अपनी संप्रभुता हमारा अपना दायरा शुरू होता है और हम यहाँ पर न्यायपालिका के निर्देशों को या न्यायपालिका के नोटिस को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं प्रोफेसर एम पी सिंह यह मानते हैं कि न्यायिक सक्रियतावाद को हर समस्या का समाधान तो नहीं ही माना जा सकता है असल में सुशासन या गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि शासन की तीनों अंग संतुलित संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत काम करें संतुलित संवैधानिक व्यवस्था का अर्थ यह है कि हर अंग अपनी जिम्मेदारी को समझे हर अंग यह महसूस करे कि उसके कार्यों का दायरा क्या है और उसके कार्यों की सीमाएं क्या हैं दूसरे अंग के कार्यक्षेत्र कहाँ पर शुरू होते हैं और अगर हम किसी एक अंग पर ही यह जिम्मेदारी डाल देते हैं कि वो सारी व्यवस्था को ठीक कर देगा तो यह एक तरह का भ्रम है और इससे व्यवस्था बेहतर होने के बजाय बदतर होने की ओर भी आगे बढ़ सकती है अब यहाँ पर हम एक अन्य मसले पर विचार करते हैं जो कि हाल के वर्षों में हुआ है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एक्ट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन निन्यानवेवे सं, संविधान संशोधन के तहत अगस्त 2014 में हुआ था यह कहा गया कि इस आयोग में कुल छह सदस्य होंगे भारत के प्रधान न्यायाधीश इसके अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश इसके सदस्य होंगे केंद्रीय कानून मंत्री को इसका पदेन सदस्य बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया दो प्रबुद्ध नागरिक इसके सदस्य होंगे ऐसा कहा गया और यह कहा गया कि इनका चयन प्रधानमंत्री प्रधान, प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सहित तीन सदस्यों वाली समिति करेगी अगर लोकसभा में नेता विपक्ष नहीं होगा तो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता चयन समिति में होगा ये एक पूरा ढांचा तैयार किया गया निन्यानवेवें संविधान संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने लेकिन अक्टूबर 2005 में इसको निरस्त कर दिया इस पूरे एक्ट को और इसने इसने असंवैधानिक कहते हुए इसे खारिज कर दिया कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेने वाले अधिनियम लाने के लिए संविधान में किए गए निन्यानवेवें संशोधन को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से, से ही होगी सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है यानी कि ये जो एक नया आयोग बनाने की सिफारिश की गई है ये व्यवस्था की गई है वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है हालांकि चार जजों ने संविधान में के निन्यानवेवे संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया लेकिन एक जज जे चलामेश्वर ने अलग राय जाहिर की और इसे वैध रखने के लिए तर्क भी दिए अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो शायद हम इसे मिनरवा मिल्स मामले की एक अगली महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देख सकते हैं जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया है सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में उसमें जो कॉलेजियम सिस्टम है वही ठीक है और संसद अपने पूर्ण बहुमत से संविधान संशोधन करके भी ऐसा अगर परिवर्तन करती है तो मूल ढांचे का बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है और वो नहीं किया जा सकता है और इसके बाद जो कार्यपालिका है जो मोदी सरकार थी उसने इस विषय को ठंडे बस्ते में डाल दिया और यह माना गया कि ये विषय अब पीछे चला गया है और जो अभी व्यवस्था है वही बनी रहेगी पीछे कुछ ऐसे मामले भी आए जहाँ पर अदालत के निर्णय के को पलटते हुए संसद ने कानून बनाया आ, जैसे एक मामला आया था जिसमें कि एस सी एक्ट जिसे कहा जाता है जिसमें कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजातियों के उत्पीड़न के खिलाफ जो ये एक निवारक कानून बना उन्नीस में उसके बारे में आ, कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किए थे और यह कहा था कि आ, किसी को गिरफ्तार करने से पहले या मुकदमा दायर करने से पहले एक जांच होनी चाहिए तो इसे आ, भी संसद ने न्यायालय के इस आ, निर्देश को पलट दिया और उसके बाद जो स्थिति आई उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे स्वीकार कर लिया जो संसद ने अपना कानून बनाया था तो हम यह प्रवृत्ति देख सकते हैं कि जहाँ खुद बड़े स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के बनी बनाई व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह आया उसे सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला करते हुए नकारा लेकिन अन्य फैसले पर जो कि उसे अपने अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं लगा उसने संसद के फैसले को स्वीकार कर लिया तो ये जो एक पूरी स्थिति है उसमें हम यह कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे तौर पर संसद से टकराव लेने की रणनीति अख्तियार नहीं की है लेकिन उसने उस समय जरूर अपने, 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 अपने अपन पूरे अस्तित्व के लिए कह सकते हैं या जो बनी बनाई प्रक्रिया है उसके लिए एक दृष्टिकोण अपनाया है जहाँ पर संसद से बने किसी कानून के कारण उसकी इस पूरी स्थिति को यानी कि उसके संप्रभुता को चोट पहुँचने का उसे अंदेशा हुआ है तो बहरहाल ये सारे इन सारे घटनाक्रमों के बाद आ, चर्चा के बाद अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को एक बार फिर से एक सार संक्षेप के रूप में देखें तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश के संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अग्रणी संस्था की भूमिका हासिल कर ली है इसने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को और न्यायिक सक्रियता के स्वरूप को अपनी व्याख्याओं के द्वारा हासिल किया और इसने संसद की शक्तियों को स्वीकार स्वीकार करते हुए भी बेसिक स्ट्रक्चर का एक ऐसा आ, एक ऐसा संयंत्र याद किया जिसके माध्यम से यह संसद के द्वारा पारित किए गए प्रत्येक कानून को संविधान में होने वाले प्रत्येक संशोधन को जांच सकती है और उसे नकार भी सकती है और इसके कई ऐसे निर्णय आए जैसे कि बोमई जजमेंट जिसके बारे में हम आ, हम जब संघवाद की बात करेंगे तो उस पर हम इसको देख सकते हैं ऐसे कई निर्णय आए जिसने जैस, जिससे इसने आ, सरकारों के काम करने के तरीक़े को बदला लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अपने आप में कई तरह के संकटों से घिरा हुआ है एक सामान्य संकट मुकदमों की बहुतायत के रूप में सामने आ, आता है दूसरा इतने सारे मुकदमे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय उन सबके साथ न्याय कर पाएगा मौजूदा व्यवस्था में ऐसा प्रतीत नहीं होता उसके साथ कई बार ऐसी प्रवृत्ति सामने आती है कि सर्वोच्च न्यायालय के भीतर भी भ्रष्टाचार की कई सारे मामले सामने आने लगते हैं या आ रहे हैं तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय अपनी पूरी वैधता को अपनी पूरी लेजिटिमेसी को कैसे कायम रखता है यह चुनौती भी उसके सामने है और यह कहा जाता है कि जब ये जो पूरा कॉलेजियम सिस्टम है वो अपने आप में इतना फुल प्रूफ नहीं है और यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जजों की पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके परिवार या उनके नातेदार रिश्तेदार लोग हैं वो इस पूरी व्यवस्था में आते रहते हैं तो ये पूरी इस पूरी व्यवस्था की भी आलोचना की जाती है और यह तो एक महत्वपूर्ण बात है ही जैसे हमने न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में देखा कि जो न्यायालय पहले प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया करता था वह प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना न्यायालय ने काफ़ी कम कर दिया है और अधिकांश मामलों पर वह व्यवस्था को ज्यो का त्यों स्वीकार करने वाले अंग के रूप में भी सामने आने लगा है कुछ एक अपवाद हो सकते हैं लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहां पर न्यायालय एक प्रगतिशील भूमिका से पीछे हट रहा है ऐसा साफ तौर पर दिखता है तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि आ, अगर हमें अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को सही तरीके से कायम रखना है उसे वाइब्रेंट बनाना है उसे जीवंत रखना है उसमें एक ऐसी जान फूकनी है कि वो जो दूसरे अंग हैं वो मनमानी ना कर पाए, तो हमें न्यायपालिका को मजबूत रखना होगा लेकिन इसके साथ ही यह भी आवश्यक है और बहुत आवश्यक है कि हम न्यायपालिका की कमियों को समझें और उसके भीतर की जो बुरे प्रभाव हैं उसको दूर करने के लिए व्यवस्थित प्रयास करें यह कहने से आ, सारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा कि न्यायपालिका के भीतर जो बुरी तत्वग्रस्त बुरे तत्व मौजूद हैं चाहे वो आंतरिक भ्रष्टाचार के रूप में हो चाहे वो न्यायाधीशों के वंशवाद के रूप में हो चाहे वो अपने विशेषाधिकारों के बारे में अत्यधिक सजगता की बात हो तो अगर हम इनके प्रति आंख मूद लेंगे सिर्फ यह कहकर कि यह न्यायिक संप्रभुता या न्याय एक संस्था के रूप में न्यायालय की जो स्थिति है उसको कमजोर करेगी तो इससे समाधान नहीं होने वाला है तो हमें एक ऐसी प्रक्रिया की तरफ जरूर आगे बढ़ना चाहिए जहाँ पर हम न्यायपालिका के भीतर की कमियों पर भी विचार करें और उसको दूर करने का प्रयास करें लेकिन निश्चित तौर पर यह संसद के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा बाहर से सिर्फ थोपे जाने से नहीं होगा बल्कि इसमें एक संवाद की स्थिति तैयार करनी होगी जिसमें न्यायपालिका के से जुड़े लोग न्यायाधीश वकील अधिवक्ता ये और प्रबुद्ध नागरिक ये सभी शामिल हों और इस बात पर विचार करें कि कैसे हम न्यायपालिका को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं क्योंकि न्यायपालिका के बेहतरी पर ही हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की जीवंतता और उसकी बेहतरी निर्भर करती है आज की इस परि पूरी परिचर्चा को मैं यहीं विराम लूंगा मुझे ये उम्मीद है कि इस परिचर्चा से आपको भारत की न्यायपालिका विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे थे तो उसकी भूमिका के बारे में एक सामान्य जानकारी मिली होगी और अगले भाग में अगली एपिसोड में हम मिलेंगे और एक अन्य विषय पर चर्चा करेंगे नमस्कार This piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.